जी नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, सुहानी सुबह, एक नए दिन का आगाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टे किया था दरिया चनाब के किनारे, हेड कादराबाद। तो अभी दिन तलू हो गया है और हम बिल्कुल रेडी हैं नेक्स्ट सफ़र के लिए। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि सुबह के तकरीबन 6 बज गए हैं। अभी हमें पहुंचना है मंडी बहाउद्दीन। अपनी मंजिल जो है आज वो मंडी बहाउद्दीन है। वहाँ जाके हमने एफए के बच्चों का प्रैक्टिकल लेना है, यानी इम्तहान है एफए वाले बच्चों का, और वहाँ पर आज ड्यूटी है प्रैक्टिकल फिज़िकल एजुकेशन। तो आए मेरे साथ और पहुँचते हैं मंडी बहाउद्दीन, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिहि वलज़ जमीन कब्ज़तहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतवियातुन बियमीनिहि अम्मा यक़ूलून। लो जी, डीजी स्टार्ट होगी, चलते हैं जी। नाज़रीन हमारे साथ रहिए और सफ़र को एंजॉय कीजिए। अभी हम हेड कादराबाद को क्रॉस करते हैं जी, थोड़ी देर के बाद। से तो पानी नहर के अंदर जो एंटर हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना बल्लो की लिंक के नाल, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है। अभी देखिए नजारा, कुछ विजिटर्स यहाँ पर खड़े हैं। वाह, लिखा हुआ है कादराबाद बैराज। नाज़रीन यहाँ पर हकीकत में देखें तो चक्कर आने लगे, अगर पानी में देख रहे हैं नीचे तो चक्कर आ रहे हैं। और वाकई ये देखें, यहाँ से नहर स्टार्ट हो रही है कादराबाद बल्लो की लिंक के नाल। नाज़रीन ये है नहर कादराबाद बल्लो की लिंक के नाल। तो नाज़रीन यहाँ पर दरिया से पानी नहर में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर देखें, ये इसके 3 और 3 6 इस तरह के 6 दर्रे हैं यहाँ पर, और हर दर्रे की जो लंबाई है वो तकरीबन 40 फुट है। और पानी का तूफान आप देखें, पानी का फ्लड आप देखें, तो आप ये रोंगटे खड़े हैं यहाँ पर, खड़े होके खौफ आ रहा है कि पानी की ये हालत है। इस तरह लहरें उठ रही हैं, इस तरह पानी के थपेड़े पड़ रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, पानी की इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये ताकत किसी इंसान के बस की बात नहीं इसको बर्दाश्त कर सके। नाज़रीन ये देखें कितना खौफ, क्या कोई बना चाहेगा ऐसे पानी में गिरे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, तमाम इंसानों को इस आफत से बचाए जहाँ पर फ्लड आए हुए हैं, जहाँ पर सुरियान। ये दरिया का पुल है कादराबाद में, और ये तख्ते दरिया के हैं। तख्तों के पार पानी की सतह बहुत बुलंद है, जबकि तख्ते नीचे किए हुए गए हैं और पानी आगे कम जा रहा है। अब यहाँ से दरार से जाता हुआ पानी नज़र आ रहा है, मतलब उधर देखे पानी की सतह बहुत बुलंद है और यहाँ पर सतह नीचे है, इसलिए यहाँ पर पानी को रोका गया है ताकि आगे कहीं पर नुकसान ना हो। नाज़रीन अब चलते हैं दरिया चनाब को, खुदा हाफिज़ कहते हैं। अभी दरिया चनाब का नज़ारा जो है आपने देख लिया, दरिया का नज़ारा इतना ही काफ़ी है नाज़रीन। नेक्स्ट सफर जारी करते हैं अपना। तो नाज़रीन ये दरिया चनाब है, इसका पुल तकरीबन तकरीबन 1 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और दरिया में बहुत ज़्यादा पानी है।
दरए चनाब का ये पुल है हेड कादराबाद। तो नाज़रीन ये पुल तकरीबन 1 किलोमीटर लंबाई में है, तकरीबन 1 किलोमीटर में, और पानी का प्रेशर और मकदार तो आप देख ही रहे हैं कि पुल से सिर्फ 2 मीटर नीचे है पानी। तो पिछले दिनों में ये 1 मीटर की हाइट तक आ गया था, लेकिन अभी इन दिनों में 1 मीटर पानी नीचे है। तो बहुत ज़्यादा पानी है फिर भी दरिया में, और इस तरह दरिया का पानी एक तो नहर कादराबाद बल्लो की लिंक के नाल को दिया जा रहा है, और इस तरह बाकी पानी आगे निकाला जा रहा है ताकि पीछे कोई नुकसान ना हो। तो जी नाज़रीन, इसके साथ ही अपने होस्ट जाफर हुसैन को इजाज़त दीजिए और अगले सफ़र को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।